नमस्कार दोस्तों, आइए आज देवउठनी 11 के उपलक्ष्य में हमारे मकरवाहिनी मंदिर में जो कि कमान्यागढ़ में स्थित है वहाँ पर महाआरतियाँ आती हैं अनेकों प्रकार की। तो आइए आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से पूरी जानकारियाँ देते हैं। कलचुरी कालीन माँ नर्मदा का दिव्य स्वरूप 7 कुओं में विराजी पूरे एशिया में एकमात्र यह माँ भगवती की माँ नर्मदा की दिव्य मूर्ति जो यहाँ स्थापित है। इधर पे आज की देवउठनी 11 के इस परम त्योहार पर विशेष रूप से पूरे शहर के युवा उत्साही भक्तगण आकर अपनी अपनी महाआरती लाकर अपने बैंड बाजों के साथ यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं, माँ की आराधना करते हैं। यह अनवरत जारी माँ नर्मदा के प्रवाह की तरह अनेक अनेक वर्षों से चलता चला आ रहा है और यहाँ से हम सब मिलकर कामना करते हैं पूरे मोहल्ले की, प्रदेश की, देश की, इस शहर की, जावाली ऋषि के नाम से इन संतों का शहर, इसमें सारे युवाओं के हृदय में माँ भगवती विराजे, उन्हें आशीषों से अभिसिंचित करे, उन्हें अंतह से उनके अंतह को सवारे सजाए, उन्हें कीर्ति यश समृद्धि सुख शांति दे। ऐसे उल्लास और उमंग के साथ यह प्रतिवर्ष माँ मकरवाणी धाम में यह महाआरती का आयोजन होता है और मैं समझता हूँ कि शहर में नहीं पूरे प्रदेश में सबसे अलौकिक और भव्य आयोजन है। बहुत उमंग और ढोल धमाकों के साथ निरंतर अलग अलग समूहों में महाआरती आती है और हम यहाँ पर प्रतिवर्ष इस आयोजन को करते हैं इस अच्छी कामना के साथ सामूहिक रूप से कि सबकी तरक्की हो, सबका विकास हो, शांति और सौहार्द इस समाज में और एक एक व्यक्ति के हृदय में समाहित हो। माँ भगवती सबकी मदद करें, सबको आशीषों से विसिंचित करें। मैं संपूर्ण तिवारी मकरवाहिनी परिवार।